सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करिश्मा ढिल्लो व्लॉग्स। आप सबका स्वागत है, मैं हूँ आपकी करिश्मा का करिश्मा। सो गाइस, मैं आज बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक के बारे में, वो आपको हेडलाइन और कैप्शन से पता ही चल गया होगा। मैं बात कर रही हूँ मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में, मुझे कौन कौन से सिम्टम्स इस प्रेगनेंसी में हुए हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी में हुए हैं, वो सारे सिम्टम्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसके बाद आप लोग कमेंट करना कि उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेरे को क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना मेरे सिम्टम्स के बेसिस पे। और उस सो गाइज, हम करने वाले हैं जेंडर प्रिडिक्शन, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक देखना और कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि इन सिम्टम्स से मुझे बेबी गर्ल होगी या मुझे बेबी बॉय होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वॉमिटिंग। बोलते हैं अगर वॉमिटिंग आपको ज़्यादा हो रही है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपको वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो आपको बेबी बॉय होगा। देखो गाइज, मेरे को तो बेटी के टाइम भी बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई, ठीक है, फिर भी मेरे को बेबी गर्ल हुई, और मुझे इस बार भी बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई है। तो देखते हैं इस बार क्या होगा, पर हम चलेंगे पॉइंट्स के हिसाब से। तो ये पॉइंट मैं देती हूँ बेबी बॉय को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपकी स्किन ग्लो कर रही है या नहीं। तो ऐसा बोलते हैं अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, आपकी स्किन डल हो गई है, तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आप ग्लो कर रहे हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मैं जो है मेरी बेटी के टाइम बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी, और इस प्रेगनेंसी में भी मैं स्टार्टिंग के 3 महीने ग्लो ही कर रही थी। उसके बाद अब मुझे थोड़ा सा जो है अपने आईज के आसपास डार्क सर्कल से लगने लगे हैं, बट मुझे अभी भी अपनी स्किन जो है क्लियर ही लगती है। घर में सब लोग बोलते हैं कि नहीं, डल हो गया, फेस ग्लो नहीं कर रहा है इस बार, पर पता नहीं गाइस, मुझे तो ग्लो ही लगता है। तो मैं ये पॉइंट दूंगी गर्ल को। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है फूड टेस्ट। हमें सॉल्टी पसंद है या स्वीट। ऐसा बोलते हैं कि अगर माँ बहुत ज़्यादा मीठा खा रही है तो उसको आने वाला है बेबी बॉय, और अगर वो बहुत तीखा खा रही है, नमकीन खा रही है, तो उसको आने वाली है बेबी गर्ल। पर गाइज, मैंने अपनी बेटी के टाइम खट्टा मीठा दोनों खाया था, और इस बार भी मैं दोनों ही खा रही हूँ। तो मुझे तो ये सारे पॉइंट खैर ट्रस्ट नहीं हम कर सकते हैं, पर एक ऐसे इंटरेस्टिंग गेम जैसा है कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम करते हैं। और मेरी कज़न ने भी गाइस खट्टा मीठा सब खाया और उसको हुआ बेबी बॉय, और उससे पहले भी उसने अपनी 2 प्रेगनेंसी में सब कुछ खाया और उसको हुई थी गर्ल। तो ये सब आप इन पे बिल्कुल भी ये नहीं करना कि आप 100% ट्रस्ट करके, और जो मॉम टू बी हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लें, क्योंकि मैं भी नहीं ले रही हूँ। मैंने बेटी के टाइम भी खट्टा मीठा खाया था, मैंने अब भी खट्टा मीठा खा रही हूँ, पर अब 4 मंथ के बाद जो है मैं मीठा जल्दी, मतलब मेरे सामने अगर खट्टा और मीठी चीज़ रखी होगी तो मैं मीठे को जल्दी उठा के खाऊंगी, और मीठा खाने के बाद मैं तीखा खाऊंगी, ऐसा हो रहा है। तो ये पॉइंट मैं दूंगी बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के हो गए हैं 2 पॉइंट्स। अब हम चलते हैं बेबी बम पोजीशन पर। ऐसा बोलते हैं कि बेबी बम अगर आपका हाई आपने कैरी किया है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपने लो कैरी किया है तो आपको बेबी बॉय होगा। गाइस, मैंने यशवी के टाइम सच में मेरा जो बेबी बम है वो राउंड था, बिल्कुल ऊपर था, और ऐसे राउंड था साइड से भी, मतलब समझ लो आप कमर से ही साइड से ऐसा राउंड शेप में था। और इस बार जो है मेरा साइड से कुछ नहीं है, साइड में मेरा ऐसा खाली खाली सा ही लगेगा, और मेरा जो बेबी बम है वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ है। तो इस सिम्टम्स को अगर हम देखें तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। बाकी कितना सच है कितना नहीं ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये मैं तो मानती नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी का अलग होता है। मैं ऑलरेडी मोटी हूँ तो मेरा किसी को समझ ही नहीं आएगा, वो बस मेरी फीलिंग है कि मेरे को लो फील हो रहा है या हाई फील हो रहा है। और अभी तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वो ऊपर ही हाई ही लगेगा, पर अभी के हिसाब से मैं इसको पॉइंट को दूंगी बेबी बॉय को लो कैरी के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपके हेयर्स। ऐसा बोलते हैं कि जब आपको बेबी बॉय होता है तब आपके हेयर जो है वो बहुत शाइनी और बहुत हैवी हो जाते हैं वॉल्यूम में, और जब बेबी गर्ल होती है तो वो थोड़े से डल हो जाते हैं और कम हो जाते हैं।
तो गाइज यशवी के टाइम सच में मेरे बाल जो है वो ड्राई हो गए थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत पतले हो गए थे। और इस प्रेगनेंसी में मेरे बाल हैवी भी नहीं हुए हैं, जैसे थे ऐसे ही हैं, मतलब लाइट भी नहीं हुए हैं और हैवी भी नहीं हुए हैं। और शाइनिंग का गाइज आप खुद देख लो, लग रही है, लग रही तो रही है, पर ये शैम्पू का भी फर्क हो सकता है। पर कोई नहीं, अगर बालों में शाइन आ रही है तो इस पॉइंट को हम देते हैं बेबी बॉय को। अब हम चलते हैं स्लीपिंग पोजीशन पर। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड सो रहे हो तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आप राइट साइड सो रहे हो तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो गाइज मैं यशवी के टाइम लेफ्ट साइड सोई थी और मेरे को बेबी गर्ल हुई थी, और इस बार जो है मैं राइट लेफ्ट स्ट्रेट सारी पोजीशन में सो रही हूँ, तो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है ये सब हमारी हैबिट के ऊपर होता है। तो कोई भी मॉम टू बी, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन सब चीजों को ज्यादा माइंड पे नहीं लेना है, सिर्फ एंजॉय करना है। लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है जज करते हैं, पर हर लेडीज हर माँ अलग होती है, हर प्रेगनेंसी हमारी अलग होती है, तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब तो मैं राइट लेफ्ट स्ट्रेट सब सो रही हूँ, तो मैं ये पॉइंट किसको दूँ? ये पॉइंट मैं दोनों को दे देती हूँ, तो एक पॉइंट गर्ल का और एक पॉइंट बॉय का। अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है यूरिन कलर। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका यूरिन कलर जो है वाइट है, क्लियर है, तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपका यूरिन कलर येलो है, डार्क येलो है, तो आपको बेबी बॉय होगा। तो गाइज मुझे यशवी के टाइम जो है मेरा यूरिन कलर जो है वाइट था, और इस बार जो है फोर्थ मंथ से मेरा यूरिन कलर डार्क येलो हो गया है। तो अगर ऐसा ये सच होता है तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। बाकी ये डिलीवरी के बाद आपको पता चल जाएगा कितना सच है कितना नहीं, उसके बाद भी आप मेरी वीडियो जरूर देखने आना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है वेट गेन। ऐसा बोलते हैं कि माँ अगर ज्यादा वेट गेन करती है तो उसको बेबी गर्ल होगी, और अगर माँ ज्यादा वेट गेन नहीं कर रही है, वो थोड़ी वीक लग रही है और उसका सिर्फ जो है बेबी बम है, वैसे वो नहीं, उसके हाथ पैर फेस वगैरह पे फैट आया है, तो उसको बेबी बॉय होगा। गाइज ये बात तो मुझे सच लगती है, पर हम मोटे लोग क्या करें, हम पहले भी मोटे थे, बाद में भी मोटे ही होंगे, तो ये पॉइंट मुझे नहीं पता। इस पॉइंट को मैं आप यहाँ पे अपनी फोटो लगा देती हूँ, आप लोग बताना ये पॉइंट आप किसको दोगे, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब हम चलते हैं प्रेगनेंसी लाइन जो बोलते हैं। प्रेगनेंसी में एक लाइन आ जाती है बेबी बम के ऊपर, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से आनी स्टार्ट होती है, मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ पे वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, जो कि पूरा नीचे से लेके आपके नेवल से होते हुए ऊपर तक जाती है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट हुई है, जिनके बच्चे हुए हैं या जो प्रेग्नेंट है, उनको पता होगा, उन्होंने ये लाइन देखी होगी, मैं फोटो लगा देती हूँ। तो ऐसा बोलते हैं अगर आपकी लाइन पूरी ऊपर तक जा रही है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर वो लाइन आपकी नेवल तक जा रही है तो बेबी बॉय होगा। इसके साथ इसमें एक और चीज बोलते हैं कि अगर आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी है तो बेबी गर्ल होगी, और स्ट्रेट ऊपर तक जा रही है तो बेबी बॉय होगा। तो इसके दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। यशवी के टाइम मेरी लाइन सीधी थी, मतलब ऐसे जिगजैग वाली नहीं थी, स्ट्रेट लाइन थी और पूरा ऊपर तक जा रही थी, और मेरे को बेबी गर्ल हुई। तो ये पॉइंट मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ भी जेंडर से रिलेशन है, ठीक है गाइज। और इस बार जो है मेरी जो लाइन है वो सिर्फ नेवल तक अभी तक गई है, ऊपर नहीं है, सिर्फ नेवल तक है, तो उस अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि बेबी बॉय होगा। तो मेरे तो फर्स्ट के हिसाब से भी बॉय होना चाहिए था और इस वाले के हिसाब से भी बॉय होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, तो मैं इस बार की प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग दे रही हूं बेबी बॉय को ये पॉइंट। गाइज ट्रस्ट नहीं कर सकते 100% ये मिथ्स या पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। सारी मॉम टू बी दोबारा सुनो, जो भी हो बेबी हेल्दी हो, हमें बस यही होना चाहिए कि हमारा बेबी हेल्दी होए, अच्छा हो, और हमारी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत लेडीज मुझसे बोल रही हैं, दीदी अपनी डेट बताओ, ये बताओ, चाइनीज कैलेंडर यूज करा आपने या नहीं किया। तो गाइज चाइनीज कैलेंडर के ऊपर भी आ जाते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी चाइनीज कैलेंडर का यूज किया था,
और मैंने इस प्रेगनेंसी में भी चाइनीज कैलेंडर को चेक किया है। अब मैं बताती हूँ रिजल्ट क्या था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा रिजल्ट बेबी गर्ल ही आया था, इसलिए मैं सबको बोलती थी कि मुझे बेबी गर्ल होगी। तो लोग और वही दादियां नानियां चाचियां सब बोलती थी नहीं बेबी बॉय होगा, बट मुझे बेबी गर्ल का ही लगता था शुरू से, मुझे खुद से भी लगता था और फिर चाइनीज कैलेंडर के बाद मुझे ऐसा लगता था कि हाँ बेबी गर्ल ही होगी। तो मुझे बेबी गर्ल ही हुई। उसके बाद इस प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग चाइनीज कैलेंडर में मेरा आया है बेबी बॉय। तो इसका रिजल्ट तो आपको पता चलेगा मेरी डिलीवरी के बाद कि ये कितना सच है कितना नहीं। पर हाँ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अपनी कजन भाभी और कजन बहने और फ्रेंड्स वगैरह का भी मैं ये करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ एंजॉयमेंट के लिए। तो गाइज ऐसा नहीं है कि 100% सही है और आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मॉम ये नहीं कि उसे चेक करके किसी प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि ये गलत भी होते हैं, वो हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं रहते हैं। मेरी कजन भाभी वगैरह का गलत आया था, उनका बेबी बॉय आया था, उन्हें बेबी गर्ल हुई है, और मेरी फ्रेंड का बेबी गर्ल आया था, उसके बेबी बॉय हुआ है। तो ये डिपेंड करता है, किसी किसी में वो सही बैठ जाता है और किसी किसी का वो गलत भी बैठ जाता है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में सही था, मैं सही मान लेती हूँ और मैं ये पॉइंट भी दे देती हूँ बेबी बॉय को। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइज ये तो हो गए हैं मेरे सिम्टम्स जो कि मुझे अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर तक फील हुए हैं या मुझे अभी तक हुए हैं। हो सकता है मुझे आगे वाले टाइम में ये सिम्टम्स चेंज हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, अभी बहुत टाइम है। चेंज होंगे तो भी मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको जरूर बनाऊंगी कि मेरे अब जो है लास्ट के सिम्टम्स क्या थे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मुझे बेकिंग सोडा टेस्ट करना चाहिए या नहीं, आप लोगों के लिए मैं वो जरूर ट्राई करूंगी। और चाइनीज कैलेंडर भी अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के सामने बैठ के यूज करूं, जिन लेडीज को नहीं आता उनको दिखाऊं, तो आप वो भी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों के लिए वो भी करूंगी। तो गाइज आई होप आपको पसंद आई होगी, और आप बताना कि आपके यहाँ पर इन सिम्टम्स के हिसाब से मुझे बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। और गाइज मैं आप अब मैं लास्ट में आप सबको ये भी बता दूं, मैं साथ साथ भी बताती आई हूं कि ये सारे सिम्टम्स जो है मेरे बेबी गर्ल के टाइम भी थे, बेबी बॉय के टाइम भी वही है, और ये सिम्टम्स मेरी कजन को भी सेम ही हुए और उसको बेबी बॉय हुआ। मतलब मेरी प्रेगनेंसी और उसकी प्रेगनेंसी में 3-4 मंथ का गैप था, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मतलब मेरी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तब उसकी भी प्रेगनेंसी थी, तब हमारे में सिर्फ 1 मंथ का गैप था। तो गाइज फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हमारे सिम्टम्स एकदम सेम थे, मुझे भी वॉमिटिंग नहीं होती थी, उसे भी वॉमिटिंग नहीं होती थी, मैं भी खट्टा मीठा सब खाती थी, वो भी खट्टा मीठा सब खाती थी। ठीक है गाइज, और हम दोनों को ही बेटी हुई थी, गर्ल हुई थी इससे पहले प्रेगनेंसी में, और वो सारे सिम्टम्स ही लगभग हमें इस प्रेगनेंसी में भी सेम हुए और उसको बेबी बॉय हुआ है अभी। तो हम इन सिम्टम्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम एक एंजॉयमेंट के लिए इन सब चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि एक माँ को बहुत एक्साइटमेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई स्पेसिफिक वो है कि नहीं ये ही है, पर हमें जानना होता है, हमसे 9 महीने वेट नहीं होता है, हमें ये रहता है अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर थोड़ा सा बता देना प्लीज क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा लगता है हमें ये तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है, उस अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आजकल की लड़कियों को ये सब बहुत शौक है। पहले तो हमारे यहाँ पर जो है बेबी होने से पहले कोई भी शॉपिंग करने नहीं देते थे, बट मैं कर लूंगी इस बार यूनिसेक्स कुछ ऐसा ले लूंगी, बट देखते हैं गाइस। तो हम मैं बस इंजॉयमेंट के लिए ये है कि मैं आप लोगों के साथ हमारे सिम्टम्स शेयर करना चाह रही थी। बहुत लोग बोल रहे थे अपने सिम्टम्स बताओ, दी सिम्टम्स बताओ, और हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने Q&A डाला था जिसमें मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं बताऊंगी, मैंने बोल दिया था आपसे सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, मतलब 4, 5, 6 महीनों में से कुछ चल रहा है, बट मैं आपको बता देती हूँ मेरा 6 मंथ चल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा मेरे से पूछा था, क्या पूछा था यार मुझे याद नहीं आ रहा, अभी रुको। दूसरा मुझसे पूछा था आपको क्या चाहिए। तो गाइज मेरे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है, अब जो होना होगा वही होगा, बस बेबी हेल्दी हो मुझे ये चाहिए और मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। और हाँ थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी सी सेक्शन हुई थी या नॉर्मल हुई थी,
तो गाइज मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी सी सेक्शन हुई थी, जिसकी पूरी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब बहुत, मतलब मुझे ऐसा फनी सा लगता है वो इंसिडेंट, जब मेरा सी सेक्शन हुआ था उसके लिए डिसाइड हुआ था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग बताना अगर आपको जानना है तो मैं जरूर बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरी सी सेक्शन जर्नी कैसी थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और मैं आपको एक बात बताती हूँ गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके सी सेक्शन हुआ है तो आपके नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी सी सेक्शन होगा। जिस कजन की मैं बात कर रही हूँ, जिसको आप मेरे शॉर्ट वीडियोज और रील वगैरह में देखते हो, मेरी जिठानी, उसके फर्स्ट बेबी जो है सी सेक्शन से हुआ, उसके बाद दोनों बेबी उसके नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी भी डिपेंड करता है, प्रेगनेंसी के गैप को भी डिपेंड करता है। तो मेरा भी, मुझे कुछ नहीं पता सी सेक्शन ही होगा या नॉर्मल होगा, जब होगा तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता चल जाएगा, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई है और अब इतना ज्यादा बोला नहीं जाता, पानी की बॉटल रख के बैठे हूँ, बीच बीच में पानी पिया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है मुझे क्या होगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो लोग न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करिश्मा ढिल्लो व्लॉग्स में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।